हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज का टॉपिक है, अगर आपका फिश को कुछ हो जाता है, मतलब फिशेज आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उन लोगों को खुश रखना सीखिए। जैसे देखिए, मतलब मैं बोल कहना चाहता हूँ, बहुत सारे फिश हॉबिस्ट मैंने देखा है कि जैसे ही कुछ होता है तो मैंने देखा है वो लोग शॉप में रिटर्न कर देते हैं। जैसे अगर फिश को मतलब थोड़ा सा चोट लग गया, थोड़ा सा मतलब सोचिए आई डैमेज हो गया, तो शॉप्स में दे देते हैं। ऐसा मत किया कीजिए, उन लोग का भी तो एक मतलब लाइफ है। आप उन लोग को शौक से लाए हैं और अचानक से वापस कर दे रहे हैं, उन लोग को तो एकदम ही अच्छा नहीं लगेगा। उन लोग का फीलिंग्स के बारे में थोड़ा सा सोचिए। जैसे देखिए, सोचिए कि ये जो मॉली है, ये वाली मॉली, ये मैंने बहुत दिन पहले सोचा था वापस कर दूँगा, फिर मेरे को लगा क्यों रहने दो। जैसे देखिए, कुछ हो जाता है ना, फिश को तुरंत वापस मत कर दीजिए, थोड़ा सा ट्रीटमेंट करने का ट्राई कीजिए। ट्रीटमेंट करने से क्या, उन लोग को भी अच्छा लगता है कि मेरा क्या बोलते हैं, ओनर मेरे साथ है, मतलब मेरे को कुछ हो जाएगा तो मेरा ओनर दिखेगा। तो सर मतलब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रखिए, ऐसा नहीं कि कुछ चोट लग गया चलो वापस कर देते हैं, ना मछली या कैश दे देगा या फिर कुछ नहीं लेंगे हटाओ, ऐसा मत कीजिए। ट्रीटमेंट कीजिए। जैसे मेरा ऑस्कर को पूरा चोट लगा हुआ है, दूसरा ऑस्कर उसको बहुत मारा है, हाँ ठीक कर दीजिए उसको। ऐसा नहीं कि देखिए चोट लगा है पूरा दमदार, आप हटाओ करके दे दिए, ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरा ऑस्कर को बहुत चोट लगा है, मैं अभी उसको मतलब ये क्या बोलते हैं उसको ट्रीटमेंट दे रहा हूँ, अच्छे से ट्रीटमेंट दे रहा हूँ। वो लोगों क्या बोलते हैं, फिर मैं ट्राई कर रहा हूँ उसको फूड खिलाने के बाद देखिए रह नहीं रहा ऑस्कर का, फिर मैं दूंगा उसको शॉप में कि वो कहीं जाएगा, वो फट से मर नहीं जाएगा। क्यों मरेगा कि देखिए। और हाँ, मैं ट्राई करूँगा किसी को, कोई हॉबिस्ट को देने का, मैं शॉप में देने का ट्राई नहीं करूँगा। फिर भी मैं ट्राई करूँगा कि मैं उसको रख पाऊँ मैं दूसरा ऑस्कर का। फिर अभी एक दो महीने के लिए तो मैं क्या बोलते हैं उसको, देखिए सबका घर में मैं मानता हूँ सेम सर्कमस्टेंसेस नहीं होता, सब कोई एक हॉस्पिटल टैंक अफोर्ड नहीं कर सकता, मतलब स्पेस अफोर्ड तो कर लेगा, वो स्पेस नहीं होता। ठीक, तो मैं वही कहना चाहता हूँ कि हॉस्पिटल टैंक अगर नहीं है तो एक बकेट लीजिए अच्छा बड़ा सा, थोड़ा सा डार्क थीम कर लीजिएगा, डार्क प्लेस में रखने का ट्राई कीजिएगा। डार्क प्लेस में रखने से आपकी मछली सब खुश रहती है आपसे, मतलब वो लोग को लगता है कि वो लोग नॉर्मल है, मतलब डार्कनेस फिश को एक्चुअली बहुत पसंद है। ठीक है, तो उसको वैसे रखने का ट्राई कीजिएगा और उसको बहुत अच्छे से क्योर कीजिएगा। देखिए, आप सोच रहे कि दोबो पंप मैं क्यों लगाऊँ, मेरे को इतना आवाज़ पसंद नहीं है। तो सुनिए, जैसे देखिए एक पंप मैंने यहाँ पर लगाया है, देखिए यहाँ पर होगा, रुकिए मैं दिखाता हूँ। ये देखिए, ये वाला पंप वाला अभी आपके आप लोग के लिए मैंने बंद करके रखा है। तो कोई शॉप जाइए, जाके एक काम कीजिए, एक कनेक्टर लीजिए, मैं दिखा दे रहा हूँ कनेक्टर अगर नहीं पता। ये देखिए, ये वाला, रुकिए फ्लैश ऑन करता हूँ। ये देखिए, इसको बोलते कनेक्टर। ठीक, पाइप को देखिए, देखिए हाँ, ये आपको एक लेना ही पड़ेगा, एक कनेक्टर और ये चाहिए। जहाँ पर आप देखिएगा कम ऑक्सीजन लगेगा, ज़्यादा नहीं, हाँ, लेकिन जहाँ पर दूर में जा रहा है, जो बहुत क्लोज है, जो बहुत दूर में जा रहा है, वहाँ जो सान में एकदम उसमें ये एक पाइप में होल करके ये लगाइएगा, थोड़ा सा दूर एक पाइप में होल करके ये लगाइएगा। ये देखिए, ये कनेक्शन मेरा वहाँ पे, देखिए यहाँ से होते हुए, देखिए यहाँ से होते हुए जा रहा है। फिर देखिए, मेरा ऑस्कर में जा रहा है जो पूरे इंजर्ड है, तो मैं उसी को ट्राई करूँगा हील करने का। मैं दिखा दे रहा हूँ ऑस्कर अपना, रुक जाइए एक सेकेंड। ये देखिए गाइस, मेरा वो ऑस्कर, वो एक हीटर चल रहा है। ये देखिए, एक स्ट्रीम दिया था, नहीं खाया, फेंक दिया। ये देखिए तो कितना चोट लगा है अभी। ठीक, अभी देखिए हीटर आपको मस्त देना है, अगर आपका मछली को देखिए वाइट स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, वाइट स्पॉट हो जा रहा है। देखिए इसको कितना मारा है, देखिए दिखा दे रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ, रुकिए। ये देखिए, रुकिए ट्राई कर रहा हूँ मैं दिखाने। ये देखिए अभी उछल रहा है, छोड़ दीजिए इसको। देखिए वो देखिए फिन रॉट है, वो देखिए कितना मारा है उसको वहाँ पर, इस साइड। देखिए इस सीम को मैं उठा लेता हूँ, ठीक है, इसको इस सीम पर रहने दीजिए। तो देखिए इसको इतना मारा है, तो इसको ही मैं ठीक करने का ट्राई करूँ। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आपको ठीक करने का ट्राई करना है, उसको देखिए डार्क प्लेस में रखा मैं। देखिए मैं बिस्तर के अपने नीचे रखा हूँ उसको, और देखिए यहाँ पे वो, देखिए वहाँ से वो कनेक्शन आया है, ठीक है, कनेक्शन आके ये देखिए यहाँ पर इसके अंदर। और देखिए हीटर आपको लगाना है, और देखिए आप 26 में तो कम से कम रखिए, उससे नीचे मत रखिएगा, 26 to 28 इज़ द एनुअल टेम्परेचर। और हाँ, देखिए जब भी आपका ऑस्कर मछली का किसी को कोई भी मछली को चोट लगता है, वाइट स्पॉट होता है, तो देखिए वाइट स्पॉट के लिए एक ग्रीन, क्या बोलते हैं, मालाचीट ग्रीन आता है, ठीक है, मालाचीट ग्रीन भी मैं आपको दिखा दूंगा आगे वीडियो में, वो दीजिएगा अपने मछली को, मालाचीट ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है वाइट स्पॉट। और हाँ, हर 24 आवर्स मछली का पानी चेंज होना चाहिए,
उसका 4 दिन का डोज रहता है, तो 4 दिन का डोज के लिए बैकग्राउंड नॉइज़ आ रहा है तो माफ़ कर दीजिएगा गाइस, बाहर बारिश हो रहा बहुत जोर से, मैं वीडियो बारिश में बना रहा हूँ ताकि और कभी टाइम नहीं मिलता, ठीक है। तो देखिए अपने मछली को देखिए, देखिए कितना मारा है उसको, देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, ये देखिए कितना मारा है ये सब उसको, देखिए पूछ, देखिए इसको ठीक कीजिए, ठीक है जी। फिर देखिए ठीक करने के बाद कोई हॉबिस्ट को दे दीजिएगा, उसको भी अच्छा लगेगा। और गाइस कम बैक टू द टॉपिक, और गाइस देखिए मैं अच्छा बात बोल रहा हूँ कि अपने मछली को खुश रखने का ट्राई कीजिए। देखिए मैं देखिए हीटर चल रहा है सब कुछ है, इसको डार्क में छोड़ दीजिए। सो गाइस अभी आपने देखा मेरा ऑस्कर को, उस देखिए मालाचिट ग्रीन मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये देखिए इसको बोलते हैं मालाचिट ग्रीन। ये अगर आपका मछली को वाइट स्पॉट हुआ है तब ये मालाचिट ग्रीन दीजिएगा। देखिए नाम देखिए, ये देखिए मालाचिट ग्रीन, मालाचिट ग्रीन आर क्यू पढ़ लीजिएगा इसे, ठीक है। और देखिए मैं किसी शॉप का प्रमोशन नहीं करूँगा जब तक मेरे को कोई ऐड रिपीट प्रमोशन ना हो, तब तक मैं पेड प्रमोशन बहुत ही कम करूँगा ट्राई करने का। लेकिन हाँ ये फिश हॉबी में कुछ मतलब व्यूज़ थोड़ा सा मनी भी लगता है। देखिए घर मेरा घर में अगर मैं ये एक्वेरियम बोलूँ अभी उठा दूँगा तो मेरा फैमिली राजी हो जाएगा, क्योंकि देखिए मिडिल क्लास का घर में इसलिए बोल रहा हूँ, सबके पास पॉसिबल नहीं होता एक हॉस्पिटल टैंक अफोर्ड करने का, मतलब मैं नहीं कुछ टारगेट कर रहा, लेकिन हॉस्पिटल टैंक एक अच्छा चीज़ है। मैं मेरा दिल से बोलूँगा कि वो ऑस्कर मेरा इतना टुक हॉस्पिटल टैंक में थोड़ी रह पाता, नहीं रह पाएगा, वो मैंने छोटे मछली रखा है तो इसलिए। देखिए बड़ा ऑस्कर को कोई मतलब ज़्यादा डिजीज नहीं होता। देखिए जैसे इसको बोलेंगे वाइट स्पॉट लगा हुआ है, वाइट स्पॉट नहीं, इसको कोई मारा है, मतलब ये गिर गया था मेरे हाथ से नीचे, ये नीचे देखिए यहाँ पे गिर गया था। तो देखिए अगर आपका मछली को जैसे उसको कोई वाइट स्पॉट तो नहीं हुआ ऑस्कर को, मैं बता देता हूँ वहाँ पर कौन सा आपको मेडिसिन देना चाहिए। सो गाइस हाँ देखिए जब आपका मछली को चोट लगता है मतलब कुछ ज़्यादा नहीं होता तब आप ये दिया कीजिए जनरल एड, बड़ा वाला है देख लीजिए, छोटा वाला भी आता है, मैंने ये बड़ा वाला परचेज़ किया, इसका दाम होता है जब मैंने खरीदा था इसको 125 से 150 में, ठीक मेरे को दाम लिखान तो नहीं रहता, मेरे को पता भी नहीं, 125 से 100। देखिए और ये देखिए जब आपका मछली को वाइट स्पॉट होगा, ये देखिए एंटी फंगस ये दीजिएगा, पर देखिए यहाँ पर डोजेज लिखा होगा 120 ml पर 600 liters ऑफ वाटर, ठीक देखिए इसमें लिखा है 120 ml, रुके दिखा देता हूँ, ये देखिए 120 ml फॉर 600 liters ऑफ वाटर, ठीक है इसमें याद दोनों। और देखिए ये वाला एंटी था, जब आप देखिएगा अपना मछली, देखिए हम दिखा देते हैं, ये तो फेदर फिश है, ये तो सैंड में अपने आप को रुके दिखा देते हैं, ओके इसे बता दो, देखिए फेदर फिश जैसे जैसे देखिएगा कोई मछली, मतलब ये देखिए मतलब फेदर फिश तो मेनली इसमें रहता है, रुके हम इसे हटा दें।